तो दोस्तों उत्तर प्रदेश के जो पेंशन धारक हैं, जैसे दिव्यांग पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन और यहाँ पर निराश्रित महिला यानी कि विधवा पेंशन, जितने भी पेंशन धारक हैं उनकी जो पेंशन है, जो थर्ड क्वार्टर की पेंशन भेज दी गई थी, बहुत सारे लोगों की अभी नहीं आई है। लेकिन बहुत सारे लोगों को ये असमंजस है कि जो 1500 रुपये प्रति महीने के हिसाब से 4500 रुपये पेंशन आने वाली है, उसका क्या? तो सारी जानकारी देंगे, 4500 रुपये कब से मिलेगी और बहुत सारे लोगों की नहीं आई है तो कब तक आ जाएगी। तो बने रहिएगा हमारे साथ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो ये पेंशन है तो बढ़ के आने वाली जो बात है तो 1500 रुपये प्रति महीने के हिसाब से यानी कि 4500 रुपये, अभी तक तो 3000 रुपये आ रही है 3 महीने की, यानी कि प्रति महीना 1000 रुपये के हिसाब से। लेकिन 4500 रुपये जो बढ़कर आएगी वो हो सकता है वित्तीय वर्ष 2023-24 से यानी कि आना शुरू हो जाए। जैसे कि अभी तो जो वित्तीय वर्ष 2022-23 चल रहा है, तीसरे क्वार्टर की ही पेंशन अभी भेजी गई है, यानी कि जो तीसरे क्वार्टर की पेंशन अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर की पेंशन सारे लोगों को भेजी गई है, लेकिन बहुत सारे लोगों की अभी तक नहीं आई है अक्टूबर और दिसंबर की पेंशन। यानी कि ये जो 3 महीने हैं इनकी पेंशन बहुत सारे लोगों को मिल गई है और बहुत सारे लोगों को नहीं आई है। तो अपना जो है स्टेटस आप चेक कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा कैसे स्टेटस चेक करना है। यदि स्टेटस चेक नहीं करना आता तो आप जनसेवा केंद्र पर जाकर, किसी भी ऑनलाइन सेवा केंद्र पर जाकर आप चेक करा सकते हैं। यदि आपके फार्म में कोई ट्यूटी है, आपका पैसा बंद हो गया या आपकी योजना, जिस योजना का लाभ ले रहे थे बंद हो गया, तो आप अपने जो है नज़दीकी यानी कि आपके डिस्ट्रिक्ट में जो विकास भवन है, जिला समाज कल्याण विभाग है, वहाँ पर जाकर आप जो है वहाँ पर चेक करा सकते हैं कि क्यों नहीं आ रही है। तो धीरे धीरे सभी लोगों का पैसा अभी भेजा जा रहा है, बहुत सारे लोगों को अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर की मिल गई है, बहुत सारे लोगों को अभी नहीं मिली है। तो होली तक सारे लोगों का पैसा ये भेजा जा रहा है और धीरे धीरे करके पहुंच जाएगा। उसके बाद में जो चौथे क्वार्टर की पेंशन बचेगी यानी कि जनवरी, फरवरी और मार्च की जो पेंशन है वो भी आएगी, लेकिन वो होली के बाद ही आएगी यानी कि अप्रैल में या मई में। अभी तक कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं है, ऑफिशियल जानकारी जैसे ही मिलेगी आपको इसी चैनल के माध्यम से दे दी जाएगी। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखें। तो दोस्तों आपको बता दूं कि अभी तक जो पेंशन पा रहे हैं लाभार्थी, बहुत सारे लोगों की नहीं आई है। तो EKYC बहुत ज़रूरी होता है, बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता है EKYC क्या होता है। EKYC में आप अपना आधार कार्ड ले जाकर और बायोमेट्रिक के थ्रू वहाँ पर सत्यापन कराना होता है, एक फिंगरप्रिंट लगाकर सत्यापन हो जाता है, आधार कार्ड ले जाना होता है और जनसेवा केंद्र पर सत्यापन हो जाता है, तो आपकी जो पेंशन है वो आना स्टार्ट हो जाती है। तो धीरे धीरे करके होली तक सभी लोगों की पेंशन यहाँ पर मिल जाएगी। और जो बढ़कर आने की बात है वो जो है ये चौथा क्वार्टर फाइनल होने के बाद में जो पहला क्वार्टर लगेगा वित्तीय वर्ष 2023-24 का, यानी कि अप्रैल, मई और जून की जो पेंशन है, हो सकता है वो 4500 रुपये बढ़कर आए। लेकिन उसमें भी ये पेंशन केवल दिव्यांग और निराश्रित महिलाओं की ही पेंशन यहाँ पर 4500 रुपये जो है आने वाली है, क्योंकि सरकार ने घोषणा किया था यानी कि उत्तर प्रदेश सरकार ने चुनाव से पहले वादा किया था कि निराश्रित महिलाओं की पेंशन जो है 4500 रुपये यहाँ पर हर तीसरे महीने में दी जाएगी, यानी कि 1500 रुपये प्रति महीना। तो दोस्तों अभी इसकी ऑफिशियल जानकारी नहीं है, यानी कि अभी इसका जो है प्रशासन की तरफ से कोई नोटिफिकेशन नहीं मिला है। जैसे ही कोई नोटिफिकेशन मिलेगा आपको जो है यहाँ पर सूचित कर दिया जाएगा। तो EKYC आप ज़रूर कराएं ताकि आपको जो है अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर की पेंशन नहीं आई है तो वो भी आ जाए, क्योंकि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर की जो पेंशन है वो ऑलरेडी भेज दी गई है, लेकिन धीरे धीरे सभी के खातों में अभी भी डाली जा रही है। तो यदि आप लाभार्थी हैं पेंशन के, उत्तर प्रदेश में रहते हैं और आप जो है इस योजना का लाभ ले रहे थे और अब आपकी ये पेंशन बंद हो गई है, तो आपको जो है घबराने की ज़रूरत नहीं है। पहले स्टेटस आप जनसेवा केंद्र पर जाकर चेक करें, नहीं तो आपके जो कार्यालय में आपका जो प्रधान होता है, आप जिस भी गांव में रहते हैं तो वहां पर जो है एक पंचायत भवन होता है, पंचायत घर, वहां पर सेक्रेटरी वगैरह यानी कि सचिव और जो है ग्राम पंचायत सहायक बैठता है, तो वहां पर भी आप चेक करा सकते हैं। ग्राम पंचायत सहायक होता है, हर गांव में नियुक्त किया गया है, उत्तर प्रदेश सरकार ने नियुक्त किया है, तो ग्राम पंचायत सहायक के पास जाकर आप अपने जो है डॉक्यूमेंट वहाँ पर दिखा कर चेक करा सकते हैं कि आपकी पेंशन क्यों रुकी हुई है।
तो दोस्तों पेंशन तो आएगी और जो चौथा क्वार्टर है उसकी भी पेंशन आएगी अप्रैल या मई में, और जो बढ़कर पेंशन आएगी वो भी यानी कि जो पहला क्वार्टर होगा वित्तीय वर्ष 2023-24 का, तो वो दिव्यांग और निराश्रित महिलाओं की आने वाली है। तो दोस्तों ऐसे ही सही और सटीक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। वीडियो यदि अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और ऐसे ही सही सटीक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। हम आपको ऐसे ही सही और सटीक ही जानकारी प्रोवाइड कराते रहेंगे। तो दोस्तों हमारी मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में किसी बेस्ट बेहतरीन सटीक जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।